बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों को गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए रणनीति में बदलाव कर अधिकाधिक निवेश पर बल दिया गया है, जिससे रेलवे पर क्षमता वृद्धि, आधुनिकीकरण, संरक्षा और यात्री सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। वर्ष 2024-25 में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक है। रेलवे में 3 बड़े कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिनमें एनर्जी ऑयल और सीमेंट कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इन कॉरिडोर को बनने से देश में आर्थिक विकास का बल मिलेगा। इसके साथ ही 40 बाजार कोच को वंदे भारत के मानक के अनुरूप तैयार किया जाएगा। बहुत इम्प्रूव हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब जहाँ 5-5, 10-10 किलोमीटर होता था, वहां पे आज 10 गुने काम उससे आज हो रहा है। वरना आप सोचो, जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभव होता? संभव इसीलिए हुआ क्योंकि काम की स्पीड कई गुने बढ़ी। और अब हिमालयन टनलिंग मेथड, एक नया टनलिंग मेथड इजाद किया है, HTM, हिमालयन टनलिंग मेथड, जैसे यूरोप में होता है ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, ATM कहते हैं उसको, NATM न्यू ऑस्ट्रियन और ATM ऑस्ट्रियन। उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूरोप में बनती थी टनल्स, और हिमालय की जो और जियोलॉजी है, हिमालय की जो संरचना है, उस संरचना के हिसाब से उसमें हिमालय में कैसे टनल बनाई जाए, तो उसका एक नया मेथड इवॉल्व हुआ है जिसको कहते हैं हिमालयन टनलिंग मेथड, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम में आ रहा है और पूरा का पूरा अपने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में काम में आ रहा है। एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि रेल टैक्स को बढ़ाना एक फोकस रहेगा, जिसके लिए काफी बजट एलोकेशन हुआ है, इसके अलावा क्या फोकस एरिया रहेगा, खासतौर पे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके लिए जो रोकने के लिए टेक्नोलॉजी? सेफ्टी पे बहुत बड़ा फोकस है। सेफ्टी पे पिछले 7 वर्षों में 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। टोटली नए नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई है। आप देखो, कवच अगर देखो तो सिग्निफिकेंट उसका डेवलपमेंट हुआ है। आप सोचो, बाकी दुनिया में जो 2000 या 1995 में जो काम हुआ था, उस काम के लिए भी इस देश में मोदी जी के लिए इंतजार करना पड़ा देश को। 2016 में कवच का काम चालू हुआ, जो कि उससे भी 20 साल पहले चालू होना चाहिए। बहुत तेजी से उसका रोल आउट चल रहा है देश। सर, ये जो 40,000 जो जनरल बॉगीज को वंदे भारत कोचेस में ट्रांसफर कन्वर्ट किया जा रहा है, एक तो सर मंत्री का टारगेट क्या है, कितने साल में होगा ये? जैसा आपने सुना आज माननीय वित्त मंत्री जी ने, अगले 5 साल के लिए ये विजन चल रहा है। ये तीनों कॉरिडोर्स भी 6 से 8 साल के हैं, और कन्वर्जन जो रहेगा पुराने कोचेस को कन्वर्ट करने के लिए, वो काम भी अगले 5 साल। ये सर एसी कोचेस होंगे सर जो कन्वर्ट? नहीं, एसी भी रहेंगे इसमें और जनरल भी रहेंगे। तो किराया भी इंक्रीज होगा सर? नहीं, किराया इंक्रीज की तो बात ही अलग है। आज भी बताऊं मैं आपको, दुनिया में सबसे सस्ती रेल सर्विस भारत में, सबसे सस्ती रेल सर्विस आज भी 60,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी दे रहे हैं। करीब करीब 55% डिस्काउंट हर यात्री को दिया जाता है। सर, सर्विस और फैसिलिटी को लेकर क्या कुछ है? जैसे हम अभी अयोध्या से आए थे तो वंदे भारत से आए थे, वो ट्रेन 12 घंटे डिले थी। नहीं देखो, सब जगह मैं आपको बताऊँ, जब काम चलता है रेलवे में, हाईवे में और रेलवे में एक बहुत बड़ा फर्क है। हाईवे में क्या, जब काम चलता है तो आप साइड से डाइवर्ट करके ले सकते हो, राइट? रेलवे में जब काम चल रहा होता है तो ट्रैक से नीचे उतर के तो वापस ट्रैक पे चढ़ नहीं सकते। तो अभी काम इतना ज्यादा चल रहा है, मैं आपको बताऊँ ना, लास्ट ईयर 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक ऐड हुए देश भर में, 5,200 किलोमीटर, मतलब स्विट्जरलैंड का पूरा नेटवर्क भारत में 1 साल में जुड़ा। इस साल सुनो तो बात, आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर भी सुनना चाहिए, और टेक्निकल विषय है इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है। 5,500 किलोमीटर इस वर्ष ऐड कर, मतलब दो साल में 2 स्विट्जरलैंड के बराबर ऐड हुआ। पिछले 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर ऐड हुआ,
26,000 किलोमीटर मतलब आधा यूरोप के कई देशों को मिला ले अगर, उतना नेटवर्क पिछले 10 साल में ऐड हुआ। जब रेलवे में काम करते हैं तो करीब करीब उस पूरे एरिया में जब तक कनेक्टिंग और इंटरलॉकिंग और उसके जो होते हैं काम वो सारे करते हैं, तब तक ट्रेन्स को प्रैक्टिकली रुक जाना पड़ता है, नीचे नहीं उतर सकती। एक जर्नी पे आप पूरे देश की मत लगाइए ना, देश भर में कोई वैकल्पिक व्यवस्था का कोई अयोध्या में टोटल 5 नए स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, टोटल 5 नए स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है और टोटल कैपेसिटी साल में करीब करीब 3.5 करोड़ लोगों के आने की कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। साल में 3.5 करोड़ लोगों के आने की कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। 5 स्टेशन ऐड किया जा रहा है। हाँ, 5 स्टेशन का टोटल रीडेवलपमेंट चल रहा है अयोध्या जी में और चारों दिशाओं से, गोरखपुर से, प्रयागराज से। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।